हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल टाइप अड्डा। तो आज मैं आपको मोबाइल की ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाकर गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें, टेक न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो गाइस, ट्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पहली ट्रिक है वो है सेकेंडरी डिस्प्ले। जी, आप अपने मोबाइल में दो डिस्प्ले लगा सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको अभी। तो आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है आपके मोबाइल में जाके, बिल्ड ना मोबाइल पर क्लिक करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल के नीचे आपको जस्ट मिलता है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले। तो आपको इसमें जाना है, और आपको जोन सा सिलेक्ट करना है वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तो मैं आपको एक सिलेक्ट करके बताता हूँ। आपको कई सारे देख लेते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे आपको अभी रिकॉर्डिंग में मेरे दिख नहीं रही होगी आपको, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में करेंगे तो जी आपको, हाँ सच्ची में दिखेगी, सेकेंडरी डिस्प्ले दिखेगी आपको। अभी आपको इसमें नहीं दिखेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग है, तो ये रिकॉर्डिंग में नहीं आता है क्योंकि इंटरनल चलता है। तो अगर आपको अपने मोबाइल में सेकेंडरी डिस्प्ले रखना हो तो आप सेकेंडरी डिस्प्ले रख सकते हैं। अगर आपको एक स्मॉल लुक चाहिए तो आप स्मॉल लुक के लिए रख सकते हैं। आपको यहाँ पे कई सारे साइज़ मिल जाते हैं, तो आप उस साइज़ में रख सकते हैं। तो गाइज, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको ये नहीं दिख रहा होगा, तो इस वाले में आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये सिक्योर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दो डिस्प्ले दिख रहे होंगे, तो आप ऐसे ही करके डिस्प्ले रख सकते हैं। तो ये गाइज हमारी थी फर्स्ट ट्रिक, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज, जो हमारी सेकेंड ट्रिक है वो है एनिमेशन स्केल, विंडो स्केल, इन सब के बारे में, आपके ट्रांजेक्शन्स के, आपके लेआउट्स के बारे में। तो आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन में जाना है। मैंने आपको बता दिया आप कैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन कर सकते हैं आपका। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे विंडोज़ एनिमेशन। तो आपका जैसे मैं 10 इंटू करके बताता हूँ, तो आप, आपको देख जाएगा कि आपको कितना, यानी आप लेआउट देख सकते हैं। आप ये देख लीजिए, आपको जैसे ही आपको चीज़ ओपन करेंगे आपको स्लो मोशन में खेलते हुए दिखेगी। और आपको यहाँ पे कई और भी ऑप्शन मिलते हैं, आपको यहाँ पे अलग अलग स्केल मिल जाती है, आपको जिस स्केल पे रखना आप उस स्केल पे रख सकते हैं। ये ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, तो मैं इसको इंटू 10 पे करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टास्क कितने स्लोली मूव हो रहे हैं। तो ऐसे आप एनिमेशन स्केल रख सकते हैं। अगर आप ऑफ कर देंगे इसको तो आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथली चलेगा, और बैटरी कंजप्शन भी बच सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज़ करना है और क्या करना है। तो आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे एनिमेटर ड्यूरेशन में जाके मैं आपको इंटू 5 करके बताता हूँ, और आपको 10 करके बताता हूँ। तो देख लीजिए, आपको ओपनिंग में लगता होगा ऐसा कि ये थोड़ा स्लो है, तो इससे होता है। और अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपका फ़ोन काफ़ी इन्हें स्मूथली चलेगा। तो मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप जाके इन तीनों को ऑफ कर दीजिए, तो आपका बैटरी कंजप्शन भी बच सकता है, और आपका लेआउट्स भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, एनिमेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस, जो थर्ड ट्रिक है वो है आप अपनी फाइल्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिना किसी ऐप के आपके मोबाइल में कोई सी भी फाइल को हाइड कर सकते हैं, बिना आपका कोई ऐप इंस्टॉल करे, डाउनलोड करे। तो आपको मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको कोई सा भी एक फोल्डर चूज़ करना है जो आपको हाइड करना हो। तो ये मेरे अर्बन वॉल का है, तो मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ। और आपको फिर क्या करना है, रीनेम पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रीनेम पे क्लिक करेंगे आपको पूरे फ्रंट में जाना है, और एक डॉट लगा देना है आपको। आप देख सकते हैं फ्रंट पे एक डॉट लगा देना है, और आपको सेव कर देना है। तो वह जो आपकी फ़ाइल है वो आपकी गायब हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो आप ऐसे ही करके हाइड कर सकते हैं, और बिना किसी ऐप के आपको ये अवेलेबल मिल जाता है फंक्शन, जो कि आपको बहुत बहुत कम मालूम होगा। तो आप ऐसे करके हाइड कर सकते हैं बिना किसी ऐप लॉक के, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो आप इसको रिनेबल करने के लिए कंप्यूटर से, टूल्स से कर सकते हैं रिनेबल। तो गाइस, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है मोबाइल के गेम के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके मोबाइल में आपको एक गेम अवेलेबल होता है जो कि एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे मेरा 6.0.1 है, जो कि मेरा मार्शमेलो है। तो मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ, तो आपको, आप देख सकते होंगे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एक गेम अवेलेबल होता है। तो आप इसमें अलग अलग प्लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। काफ़ी मुश्किल गेम है ये, तो जैसे मैंने अभी 4 सिलेक्ट करे, तो आपको आपके 4 फ्रेंड्स आपके साथ खेल सकते हैं इसमें। जो कि आपको ये ट्रिक मालूम नहीं होगी, और आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, आपको लगता होगा कि वो आपका स्कोर है।
तो आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये याद एक अच्छी ट्रिक है जो आपके अपने दोस्तों के साथ आपका गेम खेल सकते हैं, काफ़ी मुश्किल गेम है, तो आप ये गेम खेल के आपके फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। तो गाइस जो फिफ्थ ट्रिक है वो है आपका डेवलपर ऑप्शन कैसे लाना। तो आपको सबसे पहले अबाउट फोन में जाना है और आपको नीचे जाते ही बिल्ड नंबर दिखेगा, तो आपको बिल्ड नंबर पे बार बार क्लिक करना है। तो अभी तो मैं पहले से ही डेवलपर हूँ तो मेरे को कुछ नहीं है, अगर आप डेवलपर नहीं होंगे तो आप उस पर क्लिक करके डेवलपर बन सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है जिसमें आपको अलग अलग डेवलपर ऑप्शन में अलग अलग फंक्शंस मिल जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप बटन दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा मेरे चैनल का, तो आप उस पर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई से पुराने वीडियोज़ देखने हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, जय हिंद जय।